सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी टोकन, ग्रीन सतोशी टोकन, जीएमटी टोकन, स्टीफेन, तो ग्रीन मेटावर्स टोकन, सब कॉइन के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला है क्रिप्टो को लेके, सब कुछ वीडियो में बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। मेरा नाम है विप्लव चौधरी और आप लोग देख रहे थे कि विप्लव, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कल मैं जीएसटी टोकन का मतलब बोला था बाई करने के लिए और आज जीएसटी टोकन देखिए, कल जीएसटी टोकन मैंने $6 से नीचे $5.6 के करीब बाई करने बोला था और अभी जीएसटी टोकन का देखिए प्राइस गया 7.206, ठीक है, अभी चल रहा है 6.63। तो आप लोगों को 25 से लेकर 30% एक दिन में प्रॉफिट मिल गया होगा, तो लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। 2x 3x 5x भी जा सकती है या 10x भी जा सकता है, तो मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, जो लोग होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे जीएसटी टोकन के बारे में। तो चलिए पहले देख लेते निर्मला सीतारमण जी ने क्या, इंडिया टू टेक ए कंसिडर्ड व्यू ऑन क्रिप्टो, निर्मला सीतारमण, इंडिया विल नॉट रश इन टू एनी डिसीजन, बोला कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, विल टेक कंसिडर्ड व्यू, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एक अच्छा खासा मतलब निर्णय लिया जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं किया जाएगा, इट हैज़ टू टेक इट्स टाइम, तो टाइम लिया जाएगा, ऑल ऑफ अस टू बी श्योर दैट एटलीस्ट विद द गिवन अवेलेबल इंफॉर्मेशन वी आर मेकिंग ए डिसेंट डिसीजन, तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे ही कुछ अच्छा डिसीजन लिया जाए, इट कैन नॉट बी रश्ड, मतलब कोई जल्दबाजी करके कोई गलत चीज़ नहीं कराया जाएगा। सीतारमण से ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद स्टूडेंट एंड फैकल्टी एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एंड फैकल्टी लोगों के साथ डिस्कशन किया था, देर इज इम्पेशेंस आउटसाइड सेइंग दैट सेइंग व्हाट आर यू डूइंग अबाउट क्रिप्टो, अंडरस्टैंड द इम्पेशेंस बट आई एम सॉरी दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी सी सेड, तो बोला है इम्पेशेंस आउटसाइड सेइंग, तो बोला है क्रिप्टो ऐसे ही किया जाएगा और कुछ नहीं। तो फिर बोला द मिनिस्टर क्लेरिफाइड दैट द गवर्नमेंट इज ओपन टू प्रमोट इनोवेशन एंड वेल ग्राउंडेड प्रोग्रेस मेड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज व्हिच आर कमिंग इन द ब्लॉकचेन, तो मिनिस्टर बोला है जो मतलब निर्मला जी ने प्रमोशन एंड इनोवेशन किया जाएगा वेल ग्राउंडेड प्रोग्रेस मेड इन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज के थ्रू, लेजर टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो है ब्लॉकचेन में आ रहा है, आवर इंटेंशन इज इन नो वे टू हर्ट दिस इनोवेशन अराउंड क्रिप्टो बट वी नीड टू डिफाइन फॉर आवर सेल्फ, तो बोला है कोई क्रिप्टो को लेके मतलब क्रिप्टो जो इनोवेशन है उसमें कुछ गलत चीज़ नहीं किया जा रही, बट लोग मतलब रेगुलेट करना चाहता है, तो डिपोजिट डिस्पाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी देयर आर कॉन्सर्न ओवर इस पॉसिबल मिस यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फिनेंसिंग, सेट क्रिप्टो करेंसी विथ ऑल देयर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो भी मैनिपुलेट टूवर्ड्स नॉट टू डिसेबल एंड देयर सम ऑफ द कॉन्सर्न्स, इसे बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और जो टेरर फिनेंस मतलब बहुत पैसा इधर इंडिया से बाहर चला जाता है इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है क्रिप्टो करेंसी, तो विथ ऑल देयर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो भी मैनिपुलेट टूवर्ड्स नॉट टू डिसेबल एंड, तो क्रिप्टो करेंसी को ऐसे मतलब तबाही नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए कोई कुछ ना कुछ कॉन्सर्न आएगा, मतलब निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। देवन इन हर यूनियन बजट स्पीच इन फेब्रुवरी हैड प्रपोज्ड ए 30% लेवी ऑन गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट व्हिच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम April 1, हाउएवर द गवर्नमेंट इज येट टू क्लैरिफाई इट स्टैंड ऑन वेदर क्रिप्टो करेंसी वुड बी रेगुलेटेड ऑन बैंड, तो बोला है यूनियन बजट में बोला था फेब्रुवरी को कि 30% टैक्स लगेगा April 1 से, जो अभी तक सही से मतलब आया नहीं, तो इसके बदले में रेगुलेट होगा कि बैंड होगा क्रिप्टो करेंसी, वो भी नहीं बोला गया है। द गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन दैट इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स डिड नॉट मीन गिविंग दिस एसेट्स रिकॉग्नाइजेशन टेंशन एंड दैट दे वुड बी डील विथ सेपरेटली आफ्टर इंटेंसिव कंसल्टेशन, गवर्नमेंट मेंटेन किया जाएगा इस टैक्स को, दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड सीरियस कॉन्सर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसी, सीतारमण एट ए सेपरेट इवेंट इन US सेड गवर्नमेंट एंड RBI वो आर लुकिंग टू एट सेवरल कमर्शियल यूज पर्पज ऑफ द प्रपोज डिजिटल करेंसी ऑफ द सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन 2023, द फाइनेंस मिनिस्टर इज ऑन ए वीक लॉन्ग ऑफिशियल ट्रिप ऑफ द US एंड हैज इंटरेक्टेड विद वेरियस बिजनेस, तो सीतारमण जी US के एक सेपरेट इवेंट में बोला गया कि RBI गवर्नमेंट में जो सरकार है
मिल के एक सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी लाना चाह रहा है जो आएगा 2023 में, ईरान मिनिस्टर बोला है। और अभी देख सकते हैं सैंक्शन अगेंस्ट रशिया इट इन एन इंटर कंसर्न इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वर्ल्ड सैंक्शन कैन हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज एंड इंडिया इज ट्राइंग टू वर्क थ्रू देम, सीतारमन से। तो इसमें आप लोग जाके पढ़ सकते हैं क्या क्या बोला है। मैं मेन चीज़ बोल दिया हूँ कि सीतारमन जी ने क्या बोला है और क्या कहना चाह रहा है कि 30% टैक्स लगने के बाद भी जो क्रिप्टो है बैंड या रेगुलेटेड नहीं हुआ है तो क्या किया जाएगा। तो इसलिए टाइम है और अच्छे से डिसीजन लेगा, इसमें बोला गया है कोई जल्दबाजी करके कोई गलत चीज़ नहीं आएगा क्रिप्टो के बारे में। तो ये था क्रिप्टो के अपडेट जो निर्मला सीतारमण ने बोला है। और आप लोगों को मैंने जो टोकन के बारे में बात किया था जीएसटी टोकन, देखिए जीएसटी टोकन का 7.2068 अभी चल रहा है, 7.2068 हाइस्ट गया था जो गया था सुबह 10 बजे 2 घंटा पहले, तो अभी चला 6.67। तो अभी भी जो लोग बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें ह्यूज पाम आने वाला है और भी। और मैं दिखा देता हूँ, देखिए ग्रीन सतोशी टोकन इसका रैंक बहुत ही अच्छा है, कल 730 के आसपास था, 706 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं सब कुछ। और जीएमटी टोकन भी सेम है, 45 इसका मेन टोकन है जीएसटी टोकन का, इसका 4.03 डॉलर के आसपास चला था, अभी $4 में आ गए, 19% ऊपर में है। जैसे मैं कल वीडियो बनाया जीएमटी और जीएसटी दोनों टोकन अच्छा खासा पम्प हुआ। जीएमटी और जीएसटी टोकन के लिए एक फेवरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे आप लोग अर्न कर सकते हैं स्नीकर्स को पहन के। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी ऐसे अच्छा अच्छा अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।